वेलकम टू नाइन्थ क्लास। आज हम लोग क्षितिज भाग एक से पाठ 11 पढ़ेंगे। रसखान की सवय। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है। वे दिल्ली के आसपास रहते थे। उनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। वे कृष्ण भक्ति में इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्होंने गोस्वामी बीठलनाथ से दीक्षा लेकर गोकुल में रहने लगे और उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हो गया। इस प्रकार है उनके सवय। मानुषा है तो वही रस खानी, बसहूँ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनी तनंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी फूल कदम्ब की डारन। रसखान जी चाहते हैं कि मेरा अगला जन्म हो किसी भी रूप में, तो मेरा जन्म गोकुल में ही हो। ये पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताया है। मानुष है तो वही रस खानी, बस हूँ बरजे गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मेरा मनुष्य का अर्थ होता है मनुष्य, मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो गोकुल के ग्वाला के रूप में मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनी तनंद की धेनु मंझारन। यदि मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो मैं नंद के गाय के साथ चरूं। पहाना हो तो वही गिरी को, जो कि हो हरि छत्र पुरंदन धारण। पहान का अर्थ होता है पत्थर। अगर मेरा पत्थर में जन्म हो तो गिरी पर्वत पर हो, यानी गोवर्धन पर्वत पर हो, कि जिस समय कृष्ण भगवान ने गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी फूल कदम्ब की डारन। खग का अर्थ होता है पक्षी। यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो मेरा बसेरा, कलिंदी का अर्थ होता है जमुना नदी, मेरा बसेरा जमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर हो। थैंक यू।